पीली होगी तो ये हमें हटा देनी है। पत्तियाँ पीली होगी तो देखिए इस तरह से पत्तियाँ भी पीली हो जाएंगी अब जिस भी प्लांट की है करना जरूरी है। वैसे तो देखिए सितंबर में हमें कर लेने चाहिए थे लेकिन अक्टूबर का महीना है, लास्ट महीना है, तो इसमें ये काम बहुत जरूरी है हमें करना। ये काम जरूर है हमें करना, अक्टूबर में बहुत जरूरी है ये काम। तो चलिए इसके लिए देखिए मैंने ली है ये गोबर की खाद है और यहाँ पे ली है मैंने हल्दी, फंजीसाइड पाउडर के लिए मैंने हल्दी ले ली है। तो क्या करना है हमें, पहले हम हट भी अब अपनी ग्रोथ रोक देगा, डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा। इनकी जितनी भी ये हमारे इसकी प्लांट की सूखी पत्तियां हैं और जो भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो सब हमें निकाल देने हैं इस तरह से, ये देखिए। और हमें साफ़ सफाई करके इन प्लांट को रखना है ताकि ये अपनी जब ये स्वस्थ अवस्था में जाए तो ये आराम से रेस्ट पीरियड में रह सके। और इनको मतलब सोने से पहले जैसे हम खाना नहीं भूलते और खाना खा के सोते हैं फिर तभी हमें नींद आती है, जब हम खाना अच्छे से खा लेते तभी हमें अच्छे से नींद आती है। तो इनका भी यही है, जब ये अच्छे से खाद पानी ले लेंगे तो आराम से ये रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जब इनका सीजन आएगा तो अब हम इनको निकाल लेंगे, तो इसलिए हमें ये खाद देना ज़रूरी है। तो सभी प्लांट को मैं खाद दे दूँगी यहाँ पर, और हल्का हल्का सा फंजीसाइड तो मेरे पास है नहीं, मैं अपना ऑर्गेनिक ही फंजीसाइड यूज़ करती हूँ। और इस तरह से सभी प्लांट में हम गुड़ाई कर देंगे, ये देखिए। अगर जिसमें जगह नहीं है तो आप हल्की हल्की सी ऐसे ही मार दीजिए, खुरपी मार दीजिए, जैसे मेरे ये इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है करने के लिए, देखिए, तो मैं ऐसे ही मार दूँगी इसमें और यहाँ पर खाद डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए सब मैंने इसमें कर दी है ये हल्की हल्की सी, और फिर सारे में ये एक मुट्ठी खाद लेके और सभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगी, ये देखिए इस तरह से डाल देना है। और ऊपर से डाल दूँगी मैं हल्का सा फंजी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दूँगी। आपके पास अगर फंजी पाउडर है तो वो डाल सकते हैं आप, मेरे पास तो नहीं है तो मैं यही डाल रही हूँ। ये देखिए ये है मेरे ड्रेसिना का प्लांट है और ये 6 इंच के पॉट में लगा है लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी गुड़ाई कर देंगे और इसकी इतनी सॉफ्ट मिट्टी मैंने बना रखी है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी मैंने इसकी तैयार कर रखी है तभी ये बिल्कुल अच्छे से गुड़ाई होगी है। वैसे तो देखिए जब पानी डालते हैं तो मिट्टी जम जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी ना हार्ड हो जाती है, तो जब हम बिल्कुल अच्छी मिट्टी बनाते हैं तो हार्ड नहीं होती है। और ये देखिए इस तरह से हमें सारे में थोड़ी थोड़ी खाद दे देनी है तो हमें ये अच्छी मिलेगी जब हम इनको गर्मियों में फिर से अच्छे से ये हमारे हो जाएंगे। और सूखी पत्तियाँ इस तरह से हैं तो वो आप निकाल दीजिए, अगर कटिंग लगाना भी चाहते हैं तो कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं इन प्लांट की। देखिए ये लग चुका है मेरा, और ये देखिए अरेलिया, ये है अरेलिया का प्लांट है, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है, देख सकते हैं बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन अभी जो ये ग्रोथ हो रही है बिल्कुल रुक जाएगी कुछ टाइम बाद, अभी इसी महीने में रुक जाएगी। और देखिए ये ले लिया है मैंने, ये छोटा सा ही पॉट है ये भी, और नीचे से भी इसकी ग्रोथ शुरू हो रही है, देख सकते हैं आप ये नई पत्ती इसकी निकल रही है ये। और बिल ये भी मेरा 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो इसको भी हम अपना, ये भी हमारा जो है रुक जाएगी, अभी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये देखिए आपके पास कुछ है खोदने का तो उससे आप खोद लीजिए, नहीं तो मेरी तो देखिए प्लांट की बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, तो कई प्लांट ऐसे हैं जिनकी सॉफ्ट मिट्टी नहीं है और इनके तो बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये देखिए इस तरह से एक एक मुट्ठी हम सब में दे देंगे थोड़ी थोड़ी। ये देखिए थोड़ा सा इसको मिला दीजिए इस तरह से, और ये मेरा ड्रेसिना का हो गया, ये सॉरी इसका हो गया है ये। और इसका एक प्लांट और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये भी है मेरा, ये वाला प्लांट भी है, इसका नाम भूल जाती हूँ मैं इसका क्या नाम है। और इसकी तो पत्तियाँ देखिए पीली भी हो रखी है, देखिए इस तरह से पीली होगी तो ये हमें हटा देनी है, पत्तियाँ पीली होगी तो देखिए इस तरह से पत्तियाँ भी पीली हो जाएंगी अब जिस भी प्लांट की है। और ये अपनी सारी पत्तियाँ गिराने लग जाएंगी धीरे धीरे करके इस तरह से, तो हमें इनको करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम अक्टूबर के महीने में, तो आपको करना ज़रूरी है। वैसे तो देखिए सितंबर में हमें कर लेने चाहिए थे लेकिन अक्टूबर का महीना है, लास्ट महीना है, तो इसमें ये काम बहुत ज़रूरी है हमें करने। तो ये देखिए इस तरह से ये लग गई है, इसमें गुड़ाई हो गई है, देखिए बिल्कुल गुड़ाई कर दी है मैंने।
इनकी जड़ों में भी दे देंगे, अगर कोई फंगस वगैरह लगा होगा तो वो हट जाएगा, चींटी वगैरह जो लग जाती है तो इससे नहीं लगेगी। वे देखिए मैंने सबको दे दी है, खाद दे दी है इनको, और आप चाहे तो रिपोर्ट भी करना चाहे तो रिपोर्ट भी अभी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, अगर आपको लगता है कि एक ही प्लांट जो है 2-3 साल हो गए लगे हुए तो आप उसको कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें ग्रोथ भी तो काफ़ी अच्छी हो रही है, देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है अभी, लेकिन ये अभी रुक जाएगी ग्रोथ जैसे इसकी पीली पत्तियाँ होगी। तो देखिए यहाँ पे भी पीली पत्तियाँ हो रही है, तो ऐसे पीली पत्तियाँ होने लग जाएगी। तो ये दो प्लांट है मेरे, दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखिए मैं नर्सरी से लेके आई थी इन प्लांट को, एक लेके आई थी, इससे मैंने दो बना ली, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये मैं गर्मियों में लेके आई थी, तो दो प्लांट मेरे पास रेडी हो गए हैं। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें तो मैंने दे दी है। देखिए ये मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट है, छोटे से डब्बे में लगा हुआ है, और इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। देखिए इसकी मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो गई है, तो हमें हल्का हल्का सा यह गुड़ाई कर देनी है। आप चाहे तो इस प्लांट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। छोटा सा प्लांट, और ये मेरा 2-3 कम से कम 1-1.5 साल से तो लगा हुआ है एक ही पॉट के अंदर। इस तरह से देखिए हल्की हल्की सी मिट्टी गुड़ाई कर देनी है, और आप निकाल भी सकते हैं इस तरह से मिट्टी। ये देखिए देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुकी है इसकी मिट्टी। लेकिन थोड़ी थोड़ी तो बिल्कुल आप खोदी लगा दीजिए, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो ज़रूर लगा दीजिए, ताकि इसकी जो जड़ें हैं उसको हवा मिल जाए। देखिए इस तरह से टूट भी जाती है, ये बहुत नाजुक होते हैं। पर्पल हार्ट का प्लांट तो वैसे भी बहुत जल्दी से कटिंग से लग जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी इसकी मिट्टी, और पानी डालूंगी तभी होगी ये। और मैंने देखिए और थोड़ी सी खाद ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि इसमें जगह नहीं बन रही है बिल्कुल भी, और अपने आप जब हम पानी डालेंगे तो अपने आप ही ये इसके अंदर चली जाएगी। देखिए इस तरह से हमें रिपोर्ट कर दें, इसको खाद दे देनी है। जो छोटे प्लांट है वो सारे इसी तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल हार्ड मिट्टी हो जाती है उनकी। ये देखिए हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है, और ये भी अब अपनी ग्रोथ रोक देगा। और चाहे तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो मेरे पास तो पॉट नहीं है लगाने के लिए, तो मैं लगाऊंगी नहीं कटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास प्लांट हो गए हैं। ये देखिए पर्पल हार्ट का प्लांट है, बिल्कुल इसकी पत्ती इस तरह से सूखी हुई है, तो पहले इनको हटा लेंगे सब पत्तियों को। देखिए बोतल में भी लगे हैं हमारे प्लांट, और ये बिल्कुल कबाड़ से बने हुए हैं, तो इनको भी हमें अभी चेक करना है। तो मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे देखिए खाली हो गया है, अब तो यहाँ पे सारा सेटअप खाली मैंने यहाँ पे कर दिया है, और सबको मैंने खाद दे दी है। अब ये वाले ऊपर वाले की बारी है, और फिर मैं नीचे वाले जो रखे हैं उनको करूँगी, क्योंकि जब ये यहाँ प्लांट रख दूँगी तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता है बिल्कुल भी इनको खाद वगैरह देने के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये देखिए इतने दिन से मैं सूखी पत्तियाँ भी नहीं हटा रही थी, क्योंकि हाथ ही नहीं पहुँचता था मेरा बिल्कुल भी। और अभी तो मैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पे खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे नहीं है प्लांट तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखिए इस तरह से सभी प्लांट की मैं ये सूखी पत्तियाँ हटा लूँगी पहले, फिर उसके बाद मैं इनमें खाद वगैरह दे दूँगी। सबको चेक कर लेती हूँ एक बार, जितने भी ये प्लांट लगे हैं, क्योंकि ये भी सारे गर्मियों वाले प्लांट लगे हैं मेरे पास यहाँ पर। और जो ऊपर देख रहे हैं आप, इनको भी मैं करूँगी, लेकिन इनको बाद में करूँगी, पहले नीचे नीचे से निमटा लेती हूँ मैं। और इस काम को करने के लिए 2-3 दिन तो मुझे लगेंगे, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन कुछ मैं प्लांट अभी कर रही हूँ और कुछ मैं कल करूँगी। 3 दिन तो मैं नहीं लगाऊँगी, लेकिन 2 दिन में तो निमटा दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जब हम गार्डन में इस तरह से करते हैं, और ये काम हमें करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए सबको मैंने हटा लिया है, और यहाँ पे मैं दे दूँगी अब खाद। और ये देखिए ये वाला तो अभी है विंटर सीजन का प्लांट है, तो इसको मैं अब बाद में दूँगी। अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले ही, महीने या डेढ़ महीने पहले इसको रिपोर्ट किया था मैंने, अभी सर्दी के लिए, तो इसमें अच्छी पत्तियाँ आने लगी है, देख सकते ये पत्तियाँ आने लग गई है। तो इसको तो मैंने खाद दे दिया था, इसको नहीं दूँगी। और रह गए हैं मनी प्लांट, इसमें गुड़ाई करने का कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं हो सकती, तो ऐसे ही इसमें खाद दे दूंगी।
तो यहाँ देखिए सबको खाद हो चुकी है, पानी डालना है। पानी में जब डालूंगी, जब यहाँ पे रख दूंगी, साफ़ सफाई अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ से। और देखिए चढ़ गई हूँ मैं ऊपर, यहाँ ऊपर चढ़ गई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इनको मुझे साफ़ करना है यहाँ पे। ये देखिए कितनी सूखी पत्तियाँ हो चुकी है, सारी हटानी है मुझे। और आज जगह मिल गई है मुझे ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली हो गया है इसलिए। ये सॉरी बेबी सनरोज है और इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं आप कितनी सूख गई है। और अभी ये प्लांट भी डोरमेंसी में जाने वाला है, तो इस तरह से सारी पत्तियाँ इसकी सूख जाएगी, डंडी डंडी रह जाएगी। और ये है ट्रेंगल हार्ट का, है ट्रेंगल हार्ट का तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ इसकी लीव्स पीली होने लग गई है। इधर की साइड आप देख सकते हैं ये पीली पीली होने लग गई है। और इधर देखिए बेबी सनरोज की दूसरी बास्केट है, इसमें तो यहाँ पे फ्लावर भी हो रहे हैं, देख सकते हैं फ्लावरिंग भी हो रही है और पीली पत्तियाँ भी हो रही है। तो अभी कुछ समय ही ये फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद तो ये सब डोरमेंसी में चली जाएंगी। देखिए मेरी बास्केट के अंदर कितने प्लांट लगे हैं, ये देखिए सदाबहार का मैंने लगाया भी नहीं है, और देख सकते हैं। और शाम का समय है, अभी 5:30 हुए हैं और फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी हो रही है। और फिर ये इसमें लगा है, ये स्पाइडर प्लांट लगा है, और ये देखिए एक है मैक्सिकन पिटूनिया, ये देख सकते हैं मैक्सिकन। डस्ट मैंने निकाला है पत्तियों का, सारा निकाल दिया, साफ सफाई मैंने सारी कर दी है ऊपर से, देख सकते हैं। और अभी इनमें खाद वाद देना है, थोड़ा सा लिक्विड खाद मैं दूंगी इनको, वैसे खाद नहीं दूंगी, लिक्विड ही दे दूंगी इनको मैं, तो वैसे खाद नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं मार लेती हूँ झाड़ू, फिर लगाती सारे प्लांट। झाड़ू तो मैंने लगाई नहीं है, लेकिन मैंने मोटा मोटा यहाँ पे जो पत्ते वगैरह थे सब यहाँ पे हटा दिए, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे प्लांट रख रही हूँ। और अभी मैंने पानी दिया नहीं है, पहले यहाँ पे मैं अच्छे से इनको रख दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पानी दूँगी। और मैं ऐसी जगह इनको रखूँगी क्योंकि यहाँ पे इनको सनलाइट ज़रूर मिले, ऐसी जगह हमें इनको रखना है। बिल्कुल अंदर मैं नहीं रखूँगी इनको, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, तो हल्की फुल्की तो इनको धूप लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंदर रख दे इनको। तो यहाँ पे लाइट मेरे यहाँ पे तो धूप आती रहती है, तो मैंने ऐसी जगह रख दिया है। और सर्दियों में तो यहाँ थोड़ी सी कम धूप हो जाती है, आपको पता ही है सर्दियों में कम धूप होती है, तो अंदर भी अगर मैं रखूँगी तो वहाँ पर भी धूप आती रहती है, लेकिन कम आती है। अंदर जो मेरा रूम है वहाँ पर धूप आती रहती है, जाल में से भी आ जाती है और वैसे भी आ जाती है। तो हमें बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है, थोड़ी सी इनको धूप वाली जगह पे रखना है। तो सब यहाँ पे मैंने लगा दिए, और जो नीचे वाले प्लांट है उनको भी मैंने खाद दे दी है, सबको खाद दे दी, लेकिन एडजस्ट मैं नीचे वाले को कल करूँगी, अभी तो मैं सिर्फ ऊपर वाले शिफ्ट किए हैं। और ये कूड़ा इतना निकला है, देख सकते हैं ये पत्तियाँ इतनी निकली, अभी तो मैंने पूरा क्लीन नहीं किया है, अगर मैं पूरा क्लीन करती तो बहुत ज़्यादा निकलती। और ये पत्तियाँ मैं इकट्ठी करके रख लेती हूँ, जब मैं प्लांट लगाती हूँ तो पोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम में मैं वहाँ पर इन पत्तियों को डाल देती हूँ, और जो मिट्टी है उसको मैं धूप लगाने के लिए एक दिन के लिए रख दूंगी। और खाद देने के बाद देखिए एडजस्ट कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे दे दूंगी मैं पानी, क्योंकि पानी देना बहुत ज़रूरी है, खाद देने के बाद पानी देना मत भूलना, पानी बहुत ज़रूरी होता है देना पौधों के लिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा दिए लेकिन पानी देना ज़रूरी है। और सारे यहाँ पे देखिए एडजस्ट कर दिए हैं मैंने, और अभी देखती हूँ मैं इनको कहाँ पर और एडजस्ट कर सकती